उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर या रद्द करने के विषय में सभी आदेशों का खंडन किया है। घरेलू राशन कार्डों की पात्रता या अपात्रता मानदंड 2014 में निर्धारित की गई थी और तब से कोई नया परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। सरकार ने ये भी अवगत कराया है कि किसी भी कार्ड धारक को सरकारी योजना के तहत पक्का घर होने, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटरसाइकिल मालिक होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता ने जिला पूर्ति अधिकारी जितेंद्र पाठक से बात। देखिए, इसमें सिंपल 2014 का शासन आदेश है, सिर्फ वही अभी तक प्रभावी है, जिसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्लियर दिया गया है कि किन किन कौन कौन से लोग अपात्र हैं। एक सिंपल एक आदेश पहले था कि एक अपील नॉर्मल थी कि किसी स्वयं से ही कोई पाता है पात्र उसको सरेंडर, कहीं से भी जो ये अफवाहें चल रही हैं कि वसूली की जाएगी या टीवी पर या ट्रैक्टर होने पर या कोई उसको सरकारी योजना का कोई लाभ अन्य मिल रहा है उसके आधार पर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे, वो सरासर गलत है। खुद हमारे आयुक्त महोदय द्वारा भी इसका खंडन किया जारी किया गया है। तो इस प्रकार से यह सभी लोग आश्वस्त रहे कि इस प्रकार का वसूली का सरकार की तरफ से ना विभाग की तरफ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं है, ना हमारे जनपद में इस प्रकार का कोई आदेश यहाँ के स्तर से, जिलाधिकारी स्तर से, अपर जिलाधिकारी स्तर से कोई भी जारी नहीं हुआ है। तो सिंपली सब लोग इस बात को जान लें, 2014 में जो शासनादेश है उसमें क्रम में यह है कि नगरीय क्षेत्र में जैसे है कि 80 वर्ग मीटर का से ऊपर का व्यावसायिक प्लाट हो, 100 वर्ग मीटर से ऊपर अगर उनके पास रेजिडेंशियल प्लाट है, एक से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं, आयकर दाता हैं, इस तरीके की कंडीशंस हैं, तो वो अगर ऐसा कोई है तो लोगों को पता है तो उनके लिए एक नॉर्मल एक प्रोसीजर है और ये चलता रहता है, ये कार्ड बनाने पात्र पात्र एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन बीच में एक कुछ र्यूमर मॉन्गर्स ने इस तरीके की अफवाहें फैला दी जो कि सरासर गलत है और इसका खंडन हमारे स्तर से भी माननीय आयुक्त द्वारा किया ही गया है। राशन कार्ड निरस्तीकरण और समर्पण को लेकर के जिस तरीके की अफवाहें चल रही थी उस बीच खाद आयुक्त ने एक मैसेज दिया है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है समर्पण को लेकर के सरकार द्वारा नहीं कही गई है। उनका कहना है कि 2014 अधिनियम में जो नियम बनाए गए थे उसी के अंतर्गत ये सारी जो राशन कार्ड की प्रक्रिया है वो चल रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है जाँच की जो की जाती है, लेकिन समर्पण को लेकर के या किसी भी तरीके के जो और एक नियम बताए जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ये सब होने पर समर्पण करें कार्ड का या उस पर कार्रवाई होगी, इस तरीके की सरकार द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।